समस्त सनातनियों को रक्षाबंधन पर्व की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। भाई बहन के अटूट प्रेम और श्रद्धा का महापर्व रक्षाबंधन पावन पर्व त्यौहार इस बार भी 2 दिन का संशय बन गया है कि 30 अगस्त को मनाएं या 31 अगस्त को मनाएं। उन सभी सनातन धर्मावलंबियों से मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ करके करवर्ध प्रार्थना है कि मत बांटो हमारे व्रत और त्योहारों को 2 दिनों में। हम सभी सनातनी हिंदू भाई बहन एक दिन एक साथ मिल करके अपने व्रत और त्यौहार को मनाएंगे, जो शास्त्र सम्मत है, शास्त्र के अनुसार जो बताया गया है। मैं आप सबको निर्णय सिंधु, जो हम सभी हिंदुओं का मूल ग्रंथ है, इसमें कहा गया है, भद्रायाम द्वेन कर्तव्य श्रावणी फाल्गुनी तथा श्रावणी निरपति महंति ग्रामम दहति फाल्गुनी। इसमें कहा गया कि अगर भद्रा हो तो उस समय रक्षाबंधन पर्व को नहीं करना चाहिए। 30 अगस्त को 11 बजे से पूर्णिमा प्रारंभ होगी, जो चतुर्दशी युक्त पूर्णिमा है। रात्रि 8:42 तक जो है वह भद्रा व्याप्त रहेगा, तो इसलिए भद्रा जो है पूर्णिमा को प्रारंभ होते ही रात्रि 8:42 तक भद्रा रहेगा, जिसके कारण 30 अगस्त को किसी भी प्रकार से कोई शुभ नहीं है रक्षाबंधन पर्व को मनाना। और 8:42 के बाद से आप रक्षाबंधन बांध सकते, लेकिन देश काल और परिस्थिति के अनुसार हम सभी भाई बहन के लिए यह चीज़ संभव नहीं है। और रात्रि में भी कभी आपने रक्षाबंधन देखा नहीं है, तो यह दिन का पर्व है। तो अगले दिन 31 तारीख को प्रातः 7:07 तक प्रतिपदा युक्त पूर्णिमा रहेगी। और हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो सूर्योदय काल से जो तिथि आती है वह पूरा दिन मान्य होता है। तो इसलिए आप सभी सनातनी एक साथ एक दिन सभी लोग मिलकर के 31 अगस्त दिन गुरुवार को सभी लोग रक्षाबंधन पावन पर्व को मनाएं, और पूरे दिन किसी भी समय आप मना सकते हैं। ये शास्त्र सम्मत है और पूर्ण रूप से शुद्ध है, किसी भी प्रकार का कोई संशय में नहीं पड़ना है। बस प्रार्थना यही है कि हम सभी एक दिन एक साथ मिलकर के अपने व्रत और त्यौहार को मनाएं, तो यह रक्षाबंधन का पावन पर्व, भाई बहनों का अटूट प्रेम का यह पर्व है। इस पर्व में भाइयों को भी यथाशक्ति अपने बहनों को कुछ उपहार स्वरूप देना चाहिए। तो गुरुवार का दिन है, आप पीली वस्तुओं को आप अपने बहनों को उपहार स्वरूप प्रदान करें, और अगर स्वर्ण का आभूषण देते हैं गुरुवार के दिन, तो आपके भी जीवन में पूरे साल माँ लक्ष्मी की